नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। इस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। वह एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय पुरुष या महिला एथलीट ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मनु भाकर कौन है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अब तक कितने पदक जीत चुकी हैं। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था। इनके पिता मरीन इंजीनियर और मान स्कूल में प्रिंसिपल हैं। भाकर बचपन में स्केटिंग, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और जूडो कराटे भी खेलती थीं। मनु भाकर के पिता ने अपनी बेटी के सपनों के लिए अपनी नौकरी का त्याग किया और बेटी के सपनों को उड़ान दी। उन्होंने बेटी के प्रशिक्षण के लिए पिस्टल लाकर दी और उन्हें प्रशिक्षण केंद्र तक छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी संभाली। मनु भाकर के पिता अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ बेटी को प्रशिक्षण के लिए छोड़ने जाने लगे। किसी नाबालिग के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान पिस्टल साथ ले जाना अवैध है, इसीलिए इनके पिता ने नौकरी का त्याग किया ताकि वो मनु को प्रशिक्षण केंद्र पिस्टल के साथ तक छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी संभाली। भाकर को 2012 ओलंपिक के बाद गठित किए गए राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और भारतीय खेल प्राधिकरण से मदद मिली। इनके कार्यक्रमों में व्यक्तिगत कोच रखने की नई व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें जाने माने शूटर को कोच रखा जाता है। भाकर को भारत के प्रतिष्ठित शूटर जसपाल राणा ने कोचिंग दी। मनु भाकर ने साल 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इसी वर्ष एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। साल 2018 के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप में भाकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बनी। साल 2018 में ही उन्होंने ISSF जूनियर विश्व कप में 2 बार स्वर्ण अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 16 साल की उम्र में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। म्यूनिक ISSF में 4th स्थान पर रहने के साथ उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में 12वीं स्थान पर रही, 25 मीटर पिस्टल महिला 15 स्थान पर रही, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम 7 स्थान पर रही। 2024 के पेरिस ओलंपिक में 26 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स इवेंट में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक का पहला कांस्य मेडल दिला दिया था। मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु भाकर द्वारा 30 जुलाई को सरोबजीत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित युगल का कांस्य पदक जीता गया। इस प्रकार मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। पेरिस 2024 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर 28 अंकों के साथ 4th स्थान पर रहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।